एक और हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जो कि मतलब आज से एक महीने पहले जब मेरे पास आए थे तो जब उनको स्कीमेटिक ड्रॉ करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्कीमेटिक ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो मैं उनका स्कीमेटिक भी जो उन्होंने ड्रॉ किया है, तो मैं भी वो मतलब इतना अच्छा ड्रॉ किया था कि मैंने अभी उसको क्लास में लगाया हुआ है, तो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। वो देखिए कितना अच्छे तरीके से इस स्कीमेटिक को उन्होंने ड्रॉ किया है। सैमसंग J2 का डिस्प्ले ग्राफिक्स एंड लाइट सेक्शन है। देखिए आप देख सकते हैं, ये मोहन जी का नाम लिखा हुआ है, जो कि गैरतगंज से हैं, गैरतगंज मध्य प्रदेश में है ये। तो ये हमारे मोहन जी हैं, तो हम मोहन जी से आपको मिलवाता हूँ। तो मोहन जी, आप यहाँ जब आज से एक महीने पहले आए थे तो क्या आप स्कीमेटिक ड्रॉ कर पाते थे या रीड कर पाते थे? सर रीड तो मैं सर थोड़ा बहुत कर पाता था स्कीमेटिक, क्योंकि मैंने और भी मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूँगा, दो एक और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, वहाँ पर मैंने जाकर ट्रेनिंग ली, वहाँ पर नॉलेज मिला मुझे, पर उतना अच्छा नहीं मिला। जो डीप नॉलेज है, वास्तव में स्कीमेटिक का जो डीप नॉलेज है वो यहाँ पर एडवांस टेक इंस्टीट्यूट है सर का, दीपक सर का, मैं यहाँ पर आया, उनने एक एक चीज स्कीमेटिक की एक एक लाइन का नाम बताया और अपने हाथों से 12-12 बजे रात तक हमारे यहाँ पर रूम पर आकर और हमें ड्रॉ करवाया। क्योंकि जब स्कीमेटिक पढ़ाना और ड्रॉ करना और उस पर काम करना, उसको रीड करना, अलग अलग बातें होती हैं जी। तो इंडिया में और भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर स्कीमेटिक पढ़ाया जाता है ओनली, सिर्फ उस पर काम करवाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम हद पर। उसको जैसा सर की तरह ड्रॉ नहीं करवाया जाता। जब कोई भी स्कीमेटिक को जब हम ड्रॉ करते हैं, तो एक एक लाइन हमें उसमें समझ में आती है, जो हमें दीपक सर ने बहुत अच्छे से उसको ड्रॉ करना, रीड करना और एक एक लाइन का नॉलेज हमें दीपक सर ने बताया, बहुत ही डीप नॉलेज दिया। थैंक यू। तो जैसे कि देखिए आप पहले आए थे तो जो फॉल्ट फाइंडिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती थी, क्या अब आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जैसे कोई डेड आता है, कोई लाइट सेक्शन का, कोई चार्जिंग का, मतलब मोबाइल के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है, क्या आप उसे इजीली रिपेयर कर पाएंगे? सर मैं स्कीमेटिक की सहायता से उसको बिल्कुल इजीली उसको रिपेयर कर पाऊंगा, अगर मुझे स्कीमेटिक रीड करना आता है। मैं तो और हमारे सभी दर्शकों से कहूँगा जो हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से कहूँगा कि अगर स्कीमेटिक का वास्तव में आपको बेसिक नॉलेज बहुत ही अच्छा, आपको पूरा डीप नॉलेज चाहिए, तो आप हमारा एडवांस टेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक सर के पास आ सकते हैं। बाकी इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनका नाम चल रहा है, मतलब फलाना ट्रिक ढिकाना ट्रिक दिखा कर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर वास्तव में स्कीमेटिक का क्या नॉलेज होता है वो नॉलेज उनको नहीं मिला। डायरेक्ट सोल्यूशन दे रहे हैं, पर स्टेप बाय स्टेप किसी फॉल्ट को फाइंड कैसे किया जाता है वो सॉल्यूशन सिर्फ आपको दीपक सर के पास मिलेगा एडवांस टेक इंस्टीट्यूट में। मतलब ये है कि मोबाइल रिपेयरिंग में मोबाइल रिपेयरिंग में ट्रिक जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए, मैं किसी ट्रिक को नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रिक की बात करें कि ये ट्रिक से हमने रिपेयर करा, वो ट्रिक से रिपेयर करा, मोबाइल रिपेयरिंग में खास करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रिक का तो कोई काम ही नहीं। नॉलेज स्कीमेटिक का, कंपोनेंट का नॉलेज, सर्किट का नॉलेज आपका मायने रखता है, ना कि कोई ट्रिक मायने रखती है। तो जो भी ट्रिक हैं उनके माँ बाप दादा भगवान यही है। अगर ये आपने सीख लिया तो आप खुद ट्रिक बनाएंगे, ना कि ये दिखावे वाले लोगों पर जाएंगे ट्रिक, नई नई ट्रिक के नाम से आप उनके पास जाते हैं। तो यही है सब कुछ। अगर ये आपने सीख लिया तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप खुद इसके द्वारा आप दसों पचासों ट्रिकें आप खुद क्रिएट कर सकते हो। स्कीमेटिक का नॉलेज हो, सर्किट का, कंपोनेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। जी जी जी, थैंक यू मोहन जी। जी जी जी। और ये जो दूसरा स्कीमेटिक जो आप देख पा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर स्कीमेटिक है। इसमें एक एक आईसी की बॉल तक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन सी बॉल कहाँ कनेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे बनाया है हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं देवेंद्र शर्मा जी। तो जरा यहाँ आइए आप, आपके स्कीमेटिक के पास। तो देखिए कितना अच्छा। क्या आप पहले बना पाते थे स्कीमेटिक? पहले तो सर हकीकत बताएं तो स्कीमेटिक नाम सुना था, ये क्या होता है ये यहाँ आके पता चला। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या आप इस स्कीमेटिक, देखिए बहुत से लोग बोलते हैं, एक अभी वीडियो में एफबी में हम कहीं जगह पर देख रहे हैं कि बोलते हैं स्कीमेटिक मतलब रिपेयरिंग के नाम पर पेंटिंग करवाई जा रही है, ड्राइंग करवाई जा रही है। तो क्या ये फालतू है? ये तो जिसको इस चीज का नॉलेज नहीं है वो कुछ भी कह सकता है, तो अपन उस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर जिस भी बंदे को इस चीज का डीप नॉलेज है, उसके पास मोबाइल का कोई भी फाल्ट आ जाए, किसी भी कंडीशन में मोबाइल आ जाए, अगर उसकी मेन चिप वर्किंग है तो वो सेट ऑन होकर और फुल वर्किंग होकर ही जाएगा। मतलब ये है, कहने का मेरा पूछने का मतलब ये था कि ये जो मैंने आपको ड्राइंग सिखाई, स्कीमेटिक को रीड करना, उसको पढ़ना सिखाया, उसमें फॉल्ट फाइंड करना सिखाया, तो ये जो मतलब लोगों के मतभेद चल रहे हैं कि ये केवल एक ड्राइंग मतलब ट्रेनिंग के नाम पर केवल ड्राइंग करवाई जा रही है, पेंटिंग सिखाई जा रही है, तो ये क्या फालतू चीज थी क्या? नहीं सर, मैंने वही आपसे बोला ना सर, जो इस चीज को नहीं जानता वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन अगर जो थोड़ा बहुत भी जानता है, अभी देखिए सर, जैसे मैंने ये MI 9 लाइन का ये चार्जिंग बनाया है। अब ये स्कीमेटिक क्या होता है, देखिए ये चार्जिंग का जो अपना पीसी पे जो कनेक्टर होता है, वहां के कौन सी पिन से ये चार्जिंग का प्लस पॉइंट निकलेगा, कहाँ की आईसी में कौन सी पिन पे जा रहा है, फिर आईसी से आउटपुट होकर कहाँ पे जा रहा है। अगर ये हम ड्राइंग नहीं करेंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे जी। और ये हम ड्राइंग कब करेंगे, जब हमको स्कीमेटिक का नॉलेज होगा, जब हम उनकी सप्लाई का नॉलेज होगा, जो हमें यहाँ पर बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, जिस भाषा में हम समझना चाह रहे थे, जैसा हम समझना चाह रहे थे एडवांस टेक में, हमको जैसा हमको चाहिए था वैसे तरीके से सर ने हमको यहाँ पे सिखाया, और उनके सिखाने के बाद हम ये स्कीमेटिक तैयार कर पाए जी। मतलब आप पूरे संपूर्ण तरीके से आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, मैं यहाँ से संतुष्ट हूँ।